पिछले कुछ महीनों से विदर्भ के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई संगठन और व्यक्ति हमारे संपर्क में रहे हैं। मेरी एक बार उनसे जूम कॉल के माध्यम से मुलाकात और बातचीत भी हुई है। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ उनको सुनने, मिलने, परिचय करने और उनकी जो भावना है, उनका उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो समझ है विदर्भ को लेकर, अलग राज्य को लेकर, और अभी तक का जो प्रयास किया गया है यहाँ अलग राज्य बनाने को के संबंध में, उसको जानने, सुनने और समझने के प्रयास से आए हैं। अभी मैं अपना विचार इस विषय पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तभी कुछ व्यक्त कर सकता हूँ जब मैं लोगों को कुछ सुन लूँ, समझ लूँ। छोटे राज्यों के संबंध में आप अपने आप निर्भर हो सकते हैं, वो अपने आप को किस प्रकार, विदर्भ एक जो छोटा सा विदर्भ का जहाँ तक सवाल है, जो थोड़ा बहुत बाहर से हम लोग जानते समझते हैं, विदर्भ की परिकल्पना छोटे राज्यों की परिकल्पना से नहीं जुड़ी हुई है। ये छोटे राज्यों के अलावा यहाँ की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति है उससे भी जुड़ी हुई है। अगर ये अलग राज्य के तौर पे जो लोग भी इसकी परिकल्पना करते रहे हैं, वो इसको बहुत छोटा राज्य नहीं होगा। 10 लोकसभा क्षेत्रों का राज्य बहुत छोटा राज्य नहीं होता है। तो सिर्फ इसको छोटे राज्य बनने चाहिए, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं देखता हूँ। इनकी अपनी एक विरासत है इस क्षेत्र की, इसकी अपनी एक भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है महाराष्ट्र के संदर्भ में और देश के संदर्भ में। उसको देखने समझने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा। अभी इस पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है।